छत्रपति शिवाजी महाराज को कौन नहीं जानता। वह महान योद्धा जिसने अपनी बुद्धि, शक्ति और माँ भवानी की भक्ति से एक महान हिंदू स्वराज्य का निर्माण किया। लेकिन इतने महान योद्धा का वंश क्या था और वह किसके वंशज थे? आइए जानते हैं छत्रपति शिवाजी के वंश के बारे में। छत्रपति शिवाजी की माता यदुवंशी जीजाबाई चक्रवर्ती सम्राट सिंघनदेव यादव की वंशज थी और उनके पिता शाहजी भोसले का संबंध यदुवंशी होयसल साम्राज्य से था जो कि उत्तरी कर्नाटका में था, जिसकी स्थापना 1111 ईस्वी में विष्णुवर्धन यादव ने किया था। इन्होंने अपने शिलालेखों में अपने आप को यदुवंशी बताया है। यही होयसल शब्द बाद में भोसले बन जाता है। छत्रपति शिवाजी की माता और पिता दोनों यदुवंशी अहीर थे, इसीलिए छत्रपति शिवाजी का संबंध भी यदुवंशी अहीर से है। कन्नड़ के प्रसिद्ध इतिहासकार सराजू काटकर ने अपनी पुस्तक शिवाजी मूल कन्नड़ नीला में छत्रपति शिवाजी को ग्वालवंशी गोप बताया है, जो कि हमेशा से ही यदुवंशी अहीरों के लिए प्रयोग होता आया है। इतना ही नहीं, मराठी के प्रसिद्ध इतिहासकार डॉक्टर रामचंद्र चिंतामन के अनुसार छत्रपति शिवाजी के पूर्वज उत्तरी कर्नाटका में रहने वाले ग्वाले थे। 9वीं शताब्दी का पाल वंश भी यदुवंशी अहीरों का था और उन्होंने भी अपने आप को गोप कहा था। इतना ही नहीं, नेपाल का सबसे प्राचीन गोपाल राजवंश जिन्होंने काठमांडू में पशुपतिनाथ का मंदिर बनवाया था, वह भी यदुवंशी अहीर थे और उन्होंने भी अपने आप को गोप कहा था। इन सभी संदर्भों से यह पता चलता है कि छत्रपति शिवाजी का संबंध ग्वाल वंश अर्थात यदुवंशी अहीरों से था। गागभट्ट ने अपनी पुस्तक में कहा है कि छत्रपति शिवाजी महाराणा प्रताप के सिसोदिया वंशज के थे, जो कि पूरी तरह से गलत है। यह इसलिए कहा गया था क्योंकि उस समय छत्रपति शिवाजी को राजा बनने के लिए क्षत्रिय होना आवश्यक था, लेकिन कुछ पंडितों के कारण यह कहा गया था कि यदुवंश का अंत हो गया था, इसलिए वह अब क्षत्रिय नहीं है। तब काशी के पंडित नागभट्ट को बुलाया गया और उनके द्वारा यह नकली वंशावली बनाई गई थी, जिससे यह बताया जा सके कि छत्रपति शिवाजी इच्छुवांकु वंश के हैं और उन्हें राजा बनाया जा सकता है, जबकि राजपूतों ने कभी भी मराठों को अपना नहीं समझा। वह हमेशा मराठों को नीच समझते थे और उनके विरुद्ध युद्ध करते थे। यही कारण था कि राजपूत मुस्लिमों से मिलकर मराठों के विरुद्ध युद्ध करते थे, जैसे राजपूत विनोद राठौर अब्दाली जैसे मुस्लिम हमलावरों के साथ मिलकर मराठों के विरुद्ध युद्ध किया करते थे। इन सभी संदर्भ और प्रमाणों से यह ज्ञात होता है कि छत्रपति शिवाजी, उनकी माता और उनके पिता सभी गोप अर्थात ग्वालवंशी थे, अर्थात छत्रपति शिवाजी यदुवंशी अहीर थे।